वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने अचीव किया है ये लुक, एक स्मोकी आई मेकअप लुक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, और जो भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज किया है उस वीडियो को उसके सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। So without any further ado, let's get started. Guys, मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है और उसके लिए मैंने यूज किया था गुड बाइज का रोज ग्लो टोनर, और नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये लिप बाम, ये है ब्लू हेवन का लिप बाम। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी मेरे आईज से, और सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर, और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये एज डिवाइन कंसीलर। फिर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं कर लूंगी मेरे कंसीलर को सेट, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कॉम्पैक्ट, ये है मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन द शेड नेचुरल आइवरी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी काजल मेरे लिप पे, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का कलोसल काजल। मैं इस काजल को मेरे क्रीज लाइन से नीचे तक अप्लाई करूंगी, उसे उसके ऊपर तक या फिर क्रीज लाइन तक लेके नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट मैं एक स्मजर ब्रश की हेल्प से इसे स्मज कर लूंगी। नेक्स्ट आप अपने किसी भी आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर पिक कर लीजिए, और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट। मैं एक फ्लैट ब्रश पे पहले ब्लैक कलर को वहां पे प्लेस करूंगी, देन फिर मैं उसे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मेरे लिड पे सॉरी क्रीज पे जो ब्लैक कलर मैंने हल्का हल्का प्लेस किया है मैं उसे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं मेरे इसी ब्लेंडिंग ब्रश पे एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, और मैं उसे मेरे अपर क्रीज और क्रीज मतलब ब्लैक और ब्राउन को हल्का ग्रेडियंट सा इफेक्ट दूंगी। हमें दोनों शेड्स को ब्लेंड करते रहना है अच्छे से, ताकि बहुत अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट हमें मिले। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से एक ग्रे कलर पिक कर रही हूँ, और मैं इन दोनों शेड के बीच में अप्लाई करूंगी। दोनों शेड्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मोकी लुक मिल गया है। तो अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मेबेलिन कलोसल का मस्कारा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल मेरे वॉटर लाइन पे, और मैं इसे थोड़ा सा मोटा करूंगी बिकॉज मुझे इसे स्मच करना है। So you can take advantage of me. Tell me how's it feels. You know that feeling so high, but you're far away to
नेक्स्ट मैं एक स्मजर ब्रश की हेल्प से इसे भी स्मोक आउट करूंगी। तो अब मैं अप्लाई करूंगी फॉल्सीज और वो मैं अप्लाई करूंगी ऑफ स्क्रीन। आई एम रन विद माई आईज कम्प्लीटली एंड नेक्स्ट अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। और ये मुझे 2-3 दिन पहले ही रिसीव हुआ है, मैं 2-3 दिन से इसे रोज ट्राई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेटेड है और तुरंत आपके स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है विद इन एन सेकेंड। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन इन द शेड 01। नेक पे भी लगा लेंगे। अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन पे फिट होता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर मेरे अंडर आईज पे। मेरे टी जोन पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ये ब्राउज को फिल करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विच ब्यूटी का 2-in-1 जेल आईलाइनर एंड आईब्रो पाउडर। ब्राउज और नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मेरे फेस पे ब्रॉन्जर और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सुगर का फेस पैलेट इन द शेड 01। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये SFR कलर के ब्लश इन द शेड नेकेड एप्रिकॉट। ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड किया था, मुझे शेड बहुत ज्यादा पसंद आया। ये न्यूड है बट इसका हल्का सा पीच स्टोन है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड। अगर आप इसे ध्यान से नहीं लगाओ तो आप क्लाउन बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। और सबसे पहले मैं हाइलाइट करूंगी मेरे इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन्स को। ये काफी ज्यादा बॉम हाइलाइटर है। नेक्स्ट मैं मेरे सारे ही हाई पॉइंट पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस फैन ब्रश। लिपस्टिक के लिए मैंने अप्लाई किया है ये मैक का लिपस्टिक इन द शेड वेलवेट टेडी। अब मैं कर लूंगी मेरे मेकअप को सेट और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।